भाई साहब मैं तो यहाँ पे बिक गया, मतलब इतने दिनों बाद कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। मतलब लास्ट में इतना ज्यादा एक्साइटेड अवतार मूवी के लिए हुआ था, बट फाइनली अगेन एक सुपर हीरो मूवी के लिए एक्साइटमेंट जगी है। एंड हाँ, थंबनेल में लिखी हुई बात सही है, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। मैं उसके ऊपर बाद में एक थ्योरी दूंगा जो कि आप इस टाइम फ्रेम पे देख सकते हो डायरेक्ट। तो द फ्लैश का ये वाला ट्रेलर भी लास्ट वाले ट्रेलर की तरह हमें बिग फैट डैडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई हिंट नहीं देता। रादर ये अपने सिनॉप्सिस के बारे में बताता है, भाई हमारा बैरी एलन अपने पैन को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है। उस टाइम ट्रैवल के चक्कर में वो कोर्स ऑफ टाइम को चेंज कर देते हैं, एक ऐसी दुनिया बना देता है जहाँ पे कोई मेटा ह्यूमंस नहीं है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करे आउटर स्पेस थ्रेट से। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा फ्लैश ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। वो सब चाहता था वो जाकर अपने मम्मी पापा को बचा लेता कि 10 साल 12 साल उम्र में उसे अपने मम्मी पापा दोनों को एक साथ ना खोना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ऐसी दुनिया बना लेता है जहाँ पे सब कुछ चेंज। एंड इसको लेकर हमारे बेन अफ्लेक के बैटमैन ने वार्न किया था, भाई तुम टाइम ट्रैवल करके जाओगे जो हो चुका उसे भूल जाओगे, अगर तुम पास्ट में जाते हो उन्हें बचाते हो तो कोर्स ऑफ टाइम चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ना हो। फिर भी हमारा बैरी जाता है पास्ट में टाइम ट्रैवल करके, कोर्स ऑफ टाइम को चेंज करता है, एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ पे भाई कोई मेटा नहीं है अर्थ को बचाने के लिए। उसके बाद हमारा सुपरमैन वाला पूरा कांड होता है, क्रिप्टन से लोग आते हैं जो पृथ्वी को तबाह कर देते हैं, फिर हमारी सुपर गर्ल की एंट्री होगी, हमारे बैटमैन माइकल कीटन ने बैटमैन की एंट्री होगी एंड वो सारे लोग मिलके अर्थ को बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे बैरी को रियलाइज होता है उसने कुछ गलती कर दी, उसने डेस्परेशन में आकर अपने माँ बाप को तो बचा लिया लेकिन वो पूरी दुनिया को खतरे में डाल चुका है। एंड अब उसे पृथ्वी को बचाने के लिए अपने आप को तबाह करना पड़ेगा, जिन्हें वो चाहता जिनको दोबारा जिनके साथ जिंदगी बिता रहा था उन्हें फिर से उसे मरता हुआ देखना होगा। एंड देखो जो ट्रेलर है द फ्लैश का काफी ज्यादा आइडेंटिकल है मार्वल के मूवी ट्रेलर से, हाँ काफी ज्यादा आइडेंटिकल है, जिसके पीछे एक ही रीजन है हेनरी ब्रैम जो कि पहले एमसीयू के सिनेमेटोग्राफर रह चुके हैं, जो अब फ्लैश मूवी के सिनेमेटोग्राफी टीम के हेड हैं, उसे लीड कर रहे हैं। एंड पता है मैं एक बात आराम से बोल सकता हूँ बिना किसी भी डाउट है कि जो फ्लैश मूवी है वो वन ऑफ द बेस्ट पहले मूवी होने वाली है अभी तक, क्योंकि जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है, जो एक्शन सेट पीछे है जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया, जो डायलॉग्स जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया वो काफी ज्यादा टॉप नॉच फील करवाते हैं, एक ग्रैंड वाली वाइब देते हैं। इसी के साथ जो सूट वाला सीन था एंड सुपर गर्ल का उड़ने वाला सीन था वो बहुत ज्यादा एनिमेटेड एंड अनरियलिस्टिक फील होता है अगर मैं काफी ज्यादा नीट पिकिंग करूँ तब। लेकिन अगर तुम ध्यान से ध्यान दोगे ना ट्रेलर पे तो इन्होंने बड़े तरीके से ट्रेलर काटा है, मतलब जो एक्शन सेट पीस है वो बहुत ग्रैंड नहीं है ट्रेलर में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि मनी शॉट हो या फिर सबसे बड़ा वाला एक्शन सेट पीस है कोई सीक्वल दिखा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने सबको होल्ड करके रखा है ताकि ये मूवी में दिखाएं, मूवी में ग्रैंड वाली फील दे। बट मुझे बस इतना ही डर लग रहा है कि सजाए मूवी वाला पीआर टीम हाल ना करे, भाई कैमियो कोई लीक कर दो पहले ही, जो भी होने वाला है उसे बचा के रखें एंड कोई टीवी स्पॉट वगैरह ज्यादा ना डाले, क्योंकि मुझे नहीं देखना कोई भी टीवी स्पॉट, मेरा हो गया, मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा पंप्ड मूवी के लिए। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर गूगल बाबा पे थोड़ा ध्यान दो जाके तुम देखो कास्ट में कौन कौन है, तो भाई हमारे हेनरी कैविल, गैल गैडोट सब दिख रहे हैं। हाँ मैं मजाक नहीं करता, गूगल पर सर्च करो द फ्लैश मूवी 2023 वाली, जो उसमें जाकर देखो तुम्हें हेनरी कैविल मिल जाएगा, बेनिफिट का हाइटर में देखने को मिल चुका है, गैल गैडोट भी। अब ये कैसे है, तो जब हमारा फ्लैश जाएगा हमारे बैटमैन से बात करने, वो जब उसे मेंटरिंग करेगा तो हमें उस समय पर दिखाया जाएगा जो सुपरमैन हेनरी कैविल वाला एंड गैल गैडोट अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे हैं, हमारा सुपरमैन लुईस के साथ है जिंदगी के गुलछल्ले उड़ा रहे हैं। बट खैर ये तो वही कैमियो की बात है, उनका कोई डायलॉग वगैरह मेजर ना हो, मे बी उन्हें दिखा दें भाई लास्ट मूवी क्लिप उठा के एंड वहाँ पे बी रोल की तरह यूज कर ले, जब वो दोनों बात कर रहे हैं कि भाई हाँ वो दोनों मजे में हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई ऐसा मत करो। लेकिन हमारा वहाँ पे फ्लैश बात नहीं सुने, वो चल जाएगा टाइम ट्रैवल कर ले, वो अलग मैटर है। लेकिन अब दूसरी बात आ जाती है, ये जो 1:49 पे एक शॉट हमें दिखाया गया, 2 फ्रेम का शॉट है जहाँ पे हमारी सुपर गर्ल एक बंदे को हवा में लेके जा रही है, जो कि अगर लॉजिकली सोचे अगर बैरी एलन को चोट लगी है, हमारे फ्लैश अगर चोट लगी है तो उसके ऊपर तो शरीर पे कपड़ा नहीं दिख रहा है, उसे एक अपर एटमोसफेयर में क्यों लेके जाएगी सुपर गर्ल, क्योंकि उसे सनलाइट से पावर नहीं मिलती, जितना ज्यादा अपर एटमोसफेयर में जाएगा हवा पतली होती जाएगी एंड वो रिकवर नहीं कर पाएगा जल्दी, तो उसे नीचे ले जाना चाहिए था, लेकिन वो उसे ज्यादा ऊपर ले जा रही है अपर एटमोसफेयर में, तो जो कि सिंपली एक चीज को डायरेक्ट करता है कि ये भाई हमारा नया सुपरमैन हो सकता है, नई दुनिया का नया सुपरमैन, एंड जिसका एज अ कैमियो दिखा दे भाई ये सुपरमैन है, उसे गवर्नमेंट में जब वो आया था कई सालों पहले अर्थ से गिरा था, गवर्नमेंट के एरिया में गिर गया हो, गवर्नमेंट को पकड़ लिया हो, अपने अंदर रख लिया हो एंड उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड उसे सनलाइट नहीं प्रोवाइड हो उतने सालों से, जिसके कारण सुपर गर्ल गुस्सा है उसे, जैसे ये पता चलता है वो जाती है अपने भाई को उठाती है एंड उसे सूरज की रोशनी खिलाने के लिए लेके जाती है। एंड मे बी ये बात सही हो, वो इसी तरीके से नए सुपरमैन का कैमियो फेस रिवील भी कर दे एंड इसके कारण लोग और ज्यादा मूवी के लिए हाइप हो जाए, पंप हो जाए, जो कि बैकफायर भी कर सकता है या फिर विन विन सिचुएशन भी हो सकती है। विन विन सिचुएशन होती है तो लोग लव भी करेंगे नए वाले सुपरमैन का एंड लोग उसके बारे में पता चल जाएगा, हमें कंटेंट बनाने का मौका मिल जाएगा एंड लोगों को थोड़ा सा ट्रोलिंग या फिर जो भी करना है वो करने का मौका मिल जाएगा एंड एक अच्छा वे रहेगा नए सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक नई मूवी निकाल कर नए सुपरमैन को दिखाने से, एक अपकमिंग मूवी है उसमें देखा जाए एज अ कैमियो भाई लास्ट में हमारी सुपर गर्ल, मतलब जब भी बैरी एलन कुछ चीज ठीक करने जा रहा होता है इधर सुपर गर्ल जाती है अपने भाई को लेकर अपर एटमॉस्फेयर में ताकि उसे सही कर दे एंड जब नया यूनिवर्स तैयार हो, नया
रिबूटेड वर्स, वहाँ पे हमें दिखा दिया भाई ये सुपर वैन होने वाला है। खैर इसके साथ जिस तरह से ट्रेलर एंड होता है पूरा एकदम इंटेंस माहौल बनाते हुए ट्रेलर स्टार्ट होता है, इंटेंस माहौल पे खत्म ना करते उन्होंने एक फनी वे में खत्म किया। एंड जो कि इमेच्योरिटी दिखाता है हमारे बैरी एलन, यानी कि फ्लैश की इमेच्योरिटी दिखाते हैं कितना बचकानी हरकतें करता है, कितनी छोटी छोटी चीजों से डर जाता है। एंड बैटमैन के मेच्योरिटी को दिखाता है वो कैसे उनको टीज करता है, वो सारी चीज देख के अच्छी लगती है जिस तरह ट्रेलर खत्म हुआ। आई लव यू। साथ ही ट्रेलर में मेन विलन को कोई भी हिंट नहीं दिया गया, लेकिन अगर रूमर्स एंड लीक्स की बात करें तो मेन विलन हमारा रिवर्स फ्लैश होने वाला है, जिसे पावर मिली थी नेगेटिव स्पीड फोर्स से, जिसके इस्तेमाल करके वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते अपने हिसाब से। एंड ये जितना भी कांड हुआ है, मे भी मेरे स्पेकुलेशन या फिर बहुत लोग ही सेम स्पेकुलेशन है कि जितना भी कांड हो रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं जिस तरह से पूरा यूनिवर्स चेंज हुआ है, वो रिवर्स फ्लैश का काम है। वो उसका सिर्फ एक ही मकसद है जीवन, वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसे भाई फ्लैश से बदला लेना, और कुछ नहीं करना, उसे फ्लैश से बदला लेना, फ्लैश का डिस्ट्रक्शन इज हिज मेन गोल। एंड हाँ, इस ट्रेलर में दोनों में से किसी ने सिंपिंग नहीं की एंड मैं खुश हूं, ये सिंपिंग वाला चीज नहीं चला। मूवी में हमें सिंपिंग देखने को मिलेगी, दोनों बैठ के लाइन मारेंगे मैं सुपर गर्ल को, खैर वो सारी चीजें मूवी में देखने में मजा आएंगे। लेकिन आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा। एंड ये थ्योरी मैंने दी भाई कैमियो को लेके, फिर विलन को लेके, एंड जितनी थ्योरी वाली मैंने बातें की, आपको क्या लगता है उसके बारे में कमेंट जरूर करना।